नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 फरवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र हुआ शुरू। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल मिलाकर 22 बैठकें होंगी। वहीं इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ हुई, जिसके बाद आज संसद में बिहार का बजट पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने भी सरकार पे सवालों की बौछार की। वहीं बजट पेश होने से पहले सुशील मोदी ने सभी प्रदेशवासियों को बजट में सम्मिलित करने का ऐलान भी किया। मधेपुरा के सिन्हेश्वर स्थान में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कहा जाता है कि देशिया रिंग के आश्रम में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग उभराया था और यह 15-16 फीट ऊंचाई तक आ गया। इस मंदिर का निर्माण 200 वर्ष पूर्व कराया गया था। कहा जाता है कि यह देश का पहला स्थल है जहां स्वयं विष्णु ने मंदिर का निर्माण कराया था। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में लोगों का आना जाना यहां लगा रहता है। कर्मचारी चयन आयोग ने 1355 पदों पर निकाली रिक्तियां। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट के 8वें चरण की भर्ती के लिए 1355 पदों के लिए भर्ती की मांग की है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम तारीख 20 मार्च है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं। वहीं 23 मार्च तक सभी अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। ट्रंप के साथ डिनर करने नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी के साथ डिनर करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस दिन ट्रंप के साथ डिनर का आयोजन किया गया है उसी समय में बिहार में विधानसभा सत्र का दौर चल रहा है और ऐसे में उनका वहां जाना संभव नहीं हो पाएगा। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंच चुके हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे कमलनाथ मिश्रा की। कमलनाथ मिश्रा प्रसिद्ध हिंदी लेखकों में से एक है। बिहार में जन्मे कमलनाथ मिश्रा ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए पूरा किया है और अपने करियर की शुरुआत पाटलिपुत्र टाइम्स नामक अपने समय के बिहार के एक प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र से की है। अपनी नौकरी के साथ साथ अपने लेखन को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। वह शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं के क्षेत्र में से, जैसे कविता, कहानी, समीक्षा, रिपोर्ट आदि। उनके लेख विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया है। बिहार के कई जिलों में हो सकती है बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 26 तारीख तक बिहार में कई जिलों में बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिरते देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो सतह से तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर फ्रीजिंग प्वाइंट बनने के कारण कई जिलों में बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिर सकते हैं। चुनावी साल में बिजली की दरों में मिल सकती है राहत। बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। कुछ दिनों पहले ही बिजली दरों में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर कई सारी बातें सुनने को मिल रही थी, मगर अब राज्य सरकार ने आम नागरिकों को बिजली दरों में राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग बिजली की नई दरों का निर्धारण करेंगे। हालांकि जारी की जाने वाली नई दरों में उपभोक्ताओं को हर महीने देने वाले मीटर रेट में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। पूर्णिया की 400 महिलाओं ने बदल दी गांव की तस्वीर। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी का प्रमाण एक बार फिर दिया है पूर्णिया जिले की 400 महिलाओं ने, जिन्होंने मलबरी की खेती करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। घर में बैठकर दिन गुजार रही महिलाएं आज खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और यही कारण भी रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इन औरतों की सराहना भी की है। नियोजित शिक्षकों से बात करेगी सरकार। बीते एक हफ्ते से ज्यादा से बिहार में सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों पर सख्ती से पेश आने की कोशिश भी की, मगर परिणाम कुछ नहीं हाथ लगा, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों से बात करके मामले को सुलझाने की पहल की है, जिस पर शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा है कि वो सभी शिक्षकों से सकारात्मक बातचीत करने को तैयार है। जल्द ही बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। बांकीपुर दानापुर पथ फ्लाईओवर पर गाड़ियों के परिचालन की हुई शुरुआत। लंबे समय से बन रहे बांकीपुर दानापुर फ्लाईओवर पर गाड़ियों के परिचालन की शुरुआत हो गई है। बनाए गए फ्लाईओवर का एकमात्र उद्देश्य पटना शहर को जेपी सेतु से जोड़ना है। बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा बनाई गई इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। यह फ्लाईओवर एम्स से जेपी सेतु तक का हिस्सा है। सीनियर आईएएस को किया गया प्रमोटेड। बिहार के एक सीनियर आईएएस को विशेष प्रमोशन दिया गया है, जिसके तहत अब सीनियर आईएएस अफसर को विशेष सचिव के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से मिली सूचना के अनुसार साल 2007 बैच के आईएएस और वर्तमान में राज्य पर्यटन विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभावकर को विशेष सचिव के पद पर प्रमोट कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त आयोग ने बढ़ाया बिहार का हिस्सा। बिहार के सभी आम नागरिकों के लिए खुशखबरी। सोमवार से शुरू हुए विधान मंडल सत्र के बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की कई सारे अवसरों पर सोच विचार किया गया है, जिसके तहत सुशील कुमार मोदी ने सदन में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है और न सिर्फ पटरी पर आई है बल्कि तेजी से बढ़ भी रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वित्त आयोग द्वारा बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने का ऐलान भी किया है, जिससे कि अब बिहार में रोजगार के अवसर में वृद्धि के आसार जताए जा रहे हैं। चिराग पासवान अब उतरे दरोगा बहाली के समर्थन में। चिराग पासवान अब उतरे दरोगा बहाली परीक्षार्थियों के समर्थन में। नियोजित शिक्षकों को मदद मुहैया करवाने के बाद अब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दरोगा बहाली अभ्यर्थियों का मसीहा बनने की राह पर है, जिसके तहत चिराग पासवान ने हाल ही में दरोगा बहाली अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, बीते दिन सभी दरोगा अभ्यर्थी अपने गुहार लेकर लोजपा प्रमुख से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चिराग से मिलकर साक्ष्य के साथ अपनी बात रखी। तीसरी बार बिहार के विकास दर देश में सबसे तेज। उक्त ऐलान सुशील मोदी ने बिहार विधानमंडल के दौरान किया है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने कहा है कि विकास दर 15.01% भी बताया है। 500 पन्नों की पेश की गई रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय सेहत और आर्थिक स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया है। रिपोर्ट द्वारा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रति व्यक्ति की आय में लगभग 5000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति आय 47541 रुपये है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि आप तो अपनी अलग ही फिल्म चला रहे हैं। आपने कहा है कि एनपीआर 2010 के ही पुराने प्रारूप पर लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए का क्या मतलब है? लागू तो आपको ही करना है ना, शब्दों के साथ मत खेलिए। राज्य का दूसरा सीपेट कॉलेज अब भागलपुर में। बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, बिहार का दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज अब भागलपुर के अलीगंज में खुलने जा रहा है, जहां पर अब अगले सत्र की पढ़ाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों की माने तो भागलपुर में सीपेट कॉलेज के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने अलीगंज सूत मिल की 8 एकड़ जमीन को कॉलेज बनाने के लिए चिन्हित कर लिया है। इतना ही नहीं, उद्योग विभाग के सहायक निदेशक ने भी हाल ही में भागलपुर की जमीन का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पैक्सों को 15 लाख देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पैक्स केंद्रों के लिए 15 लाख तक की कृषि सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख की राशि की सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। हालांकि पहले सरकार ने 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में अपने ऐलान को बदलते हुए 5 लाख कम करते हुए पेश करने का ऐलान किया है। राजद ने किया ऐलान, अगर सरकार बनी तो 85% नौकरी का किया दावा। इस चुनावी साल में युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए राजद ने अब एक अहम ऐलान किया है, जिसके तहत राजद नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के पक्ष में ऐलान करते हुए कहा है कि अगर बिहार में इस बार राजद की सरकार बनी तो 85% युवाओं को रोजगार मुहैया करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर सरकार बनी तो प्रदेश में स्थानीय नीति लागू करने का भी दावा किया है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुके के साथ किया स्वागत। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का पहला दिन अपेक्षा के अनुसार ही रहा। विपक्षी दलों ने सदन के बाहर ही सरकार के खिलाफ विरोध किया। वहीं इस विधानमंडल में अनोखी झलक तब देखने को मिली जब राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को बुके भेंट में देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद राज्यपाल फागू चौहान ने विपक्षी दलों के इस रुख की सराहना की, जिसके बाद आज सब कुछ सही से संचालित हुआ तो बिहार का बजट सफलतापूर्वक पेश कर दिया जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान ने की विधानमंडल सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने विधानमंडल सत्र के पहले दिन नीतीश सरकार के कार्यक्रमों और उपलब्धियों की तारीफ करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में सराहनीय विकास का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रम पर कहा है कि वह न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केंद्र बिंदु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा काम करना चाहते हैं। अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आइए जानते हैं ऐसे मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के कारण ठंड में इजाफा हो सकता है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,900 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,990 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 52,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.59 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 69.22 रुपए प्रति लीटर था। आईपीएल का विज्ञापन में धोनी से पूछे गए सवाल। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वें संस्करण की शुरुआत 29 मार्च से होने वाली है, जिसको लेकर सभी टीम अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं हाल ही में ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने पहला विज्ञापन जारी कर दिया है, जहां पर धोनी के खेलने को लेकर सवाल भी पूछा गया है। जहां धोनी को लेकर यह सवाल आया है कि चेन्नई के लिए धोनी खेल पाएंगे या नहीं। इतना ही नहीं, जारी किए गए इस नए विज्ञापन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के टाइटल को जीतने की कोशिश और साथ ही साथ रोहित शर्मा के 4 बार ट्रॉफी जीतने का भी जिक्र किया गया है। जयललिता के जन्मदिन पर कंगना की नई फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज। कंगना की अपकमिंग फिल्म थलाईवी का नया पोस्टर जारी हुआ है, जो कि कंगना की बहन रंगोली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। जारी किए गए पोस्टर में कंगना ने लाल बॉर्डर वाली सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है, साथ ही उन्होंने माथे पर लाल रंग की बिंदी भी लगा रखी है। वहीं आपको बता दें, रंगोली द्वारा शेयर की गई इस फिल्म में कंगना बिल्कुल जयललिता जैसी लग रही है और यह फिल्म 26 जून को रिलीज हो रही है। दिल्ली समेत कई जगहों पर एयरटेल की 3G सेवा हुई बंद। प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने दिल्ली एनसीआर टेलीकॉम सर्किल में अपने 3G सर्विस की पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके साथ ही यह सेवा कोलकाता, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 3G की सेवाएं बंद कर दी गई है। हालांकि 2G सर्विस अभी भी उपलब्ध है। वहीं आपको बता दें, एयरटेल ने इस बात की जानकारी खुद सभी ग्राहकों को मैसेज करके बताया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है सौरभ कुमार, विकास कुमार, गीत भोजपुरी बिहार, आशीष कुमार, आयुष कुमार, सैयद हुसैन, दरोगा कुमार, कुंदन कुमार, कुमार जितेंद्र, अमरेश चौधरी, मोहम्मद जफर आलम, रामशंकर प्रसाद यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के, इस चुनावी साल में युवाओं को 85% नौकरी के अवसर पर आपके क्या विचार हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो उस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।